आज सिर्फ वाल्मीकि रामायण के बारे में बताते हैं। आज के युग में सैकड़ों लेखकों की लिखी गई रामायण की अनगिनत लिपियां उपलब्ध हैं, और उनमें प्रत्येक लेखक की कल्पना और श्रद्धा के अनुसार अनगिनत कथाएं कही गई हैं। साधारण जन इन काल्पनिक कथाओं को ऐतिहासिक मान बैठे हैं और उन्हें उसी रूप में सत्य स्वीकार करते हैं, जबकि सत्य यह है कि केवल एक वाल्मीकि रामायण को ही ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है। कारण ये कि ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने श्री राम के जीवन को अपने सामने देखा और उसके बारे में लिखा। उनका श्री राम से प्रथम संबंध बना जब श्री राम वनवास के दौरान पंचवटी के क्षेत्र में रहे। इस काल में ऋषि वाल्मीकि उसी क्षेत्र में रहते थे और उन्हें श्री राम और देवी सीता को बहुत निकट से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ऋषि वाल्मीकि एक कवि थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग अपने युग के आदर्श पुरुष श्री राम की शौर्य गाथा लिखने में किया। वाल्मीकि रामायण में कोई चमत्कार नहीं और न ही कोई श्राप, यहाँ केवल मनुष्यों के अमित शौर्य और अदम्य साहस की चर्चा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो ऐतिहासिक कथा लिखी गई है वह आधुनिक कथाओं से किन किन प्रकार से अलग है। नंबर एक, श्री राम और उनके भाइयों का जन्म किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक जानी मानी वैज्ञानिक पद्धति से हुआ, जिसे आज की विज्ञान के हिसाब से समझा जा सकता है। आज एक बार फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज, स्पर्म डोनेशन और जीन स्प्लाइसिंग इत्यादि प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। वैदिक ऋषि आज के वैज्ञानिकों से कहीं अधिक ज्ञानवान थे, अतः इस प्रणाली में कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान का ही प्रयोग किया गया। नंबर दो, ऋषि पत्नी अहिल्या का जब उनके पति गौतम ने त्याग किया तो वह शिला नहीं बल्कि शिलावत शिला समान हो गई। ये कहना वैसा ही होगा जैसे हम किसी दुखिया नारी के विषय में कह देते हैं, ये तो पत्थर हो गई है। शिलावत यानी कि उनकी भावनाएं मर गईं। वह इतनी आहत हो गई अपने पति के निष्ठुर व्यवहार से कि उनका मन पत्थर हो गया। उन्होंने किसी से भी मिलना जुलना इत्यादि बंद कर दिया और अपने आश्रम में रहती हुई एकांत तपस्या करने लगी। जब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को उनके विषय में बताया तो श्री राम को अत्यंत दुख हुआ। वे उनके आश्रम में गए और उन्होंने चरण स्पर्श करके उन्हें आदर दिया। ध्यान दीजिए, ऋषि ने कहा है कि श्री राम ने उनके चरणों को छुआ न कि उन्हें अपने चरण से छुआ। उनके द्वारा आदर दिए जाने पर सारे वन में समाचार फैल गया और गौतम लौट कर आए और श्री राम ने उन्हें समझाया कि पत्नी को ऐसे त्यागना उचित नहीं। 24-25 वर्ष की आयु में उन्हें इतना ज्ञान इतना सम्मान प्राप्त था कि ऋषि मुनि भी उनके आगे नतमस्तक थे। ऋषि ने उनकी आज्ञा मानकर अहल्या को पुनः सम्मान दिया। नंबर तीन, रावण एक बहुत ही खतरनाक तानाशाह था। वह एक छोटे से द्वीप लंका का राजा तो था ही, लेकिन उसने स्वप्न देखा था कि पूरे भारत की भूमि पर राज्य करने का और अपनी राक्षसी सभ्यता यहाँ फैलाने का। वह इस काम में काफी हद तक सफल भी हो चुका था। उसने पूरे दक्षिण में अपनी सेना बनाई हुई थी। दक्षिण के राजा बाली के साथ उसकी संधि भी थी। अब वह उत्तर पर नजर लगाए बैठा था। इस काम के लिए उसने तारका, सुबाहु और मारीच के नेतृत्व में वहां अपनी सैनिक टोलियां भेजनी आरंभ कर दी थी। उसकी राक्षसी सभ्यता के बारे में ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं कि वे लोग मांस भक्षी और मदिरा सेवी थे। मनुष्यों के भक्षण में भी उन्हें कोई रोक न थी। वे भारत के वासियों को सताते थे, उनका भक्षण करते थे, उनकी नारियों का हरण करते थे, बलात्कार करते थे और भ्रूण हत्या करते थे। इनके विस्तार को रोकना आवश्यक था, किंतु उनके बल और उनके शस्त्रों के आगे कोई नहीं टिक पाता था। दक्षिण के कई ऋषियों ने अपने अपने सुरक्षा दलों की सहायता से इन्हें किसी प्रकार रोक रखा था, किंतु कब तक। नंबर चार, श्रीराम ने धीरे धीरे 14 वर्ष के समय में पूरे दक्षिण में स्थान स्थान पर जाकर जन साधारण को शिक्षा दी, उन्हें अपने साथ खड़ा किया, उनके मन से राक्षसों का भय दूर किया और उन्हीं की सहायता से हर गांव, हर नगर से राक्षसों की टोलियों को निकाल बाहर किया। उनकी स्त्रियों के साथ तालमेल बनाने में सीताजी का पूरा सहयोग रहा और वे जनमानस के हृदय में देश प्रेम और देश के लिए लड़ मरने की भावना जागृत करने में सफल हुए। नंबर पांच, वानर जाति के लोग कोई बंदर नहीं थे, वे दक्षिण में बसने वाले मनुष्य ही थे, जिनकी जनजाति वानर नाम से जानी जाती थी। इनके राजा बाली पर रावण का पूरा प्रभाव था। वह भारतीय संस्कृति छोड़कर राक्षसी संस्कृति अपना चुका था।
और उसी के अनुसार उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण भी किया। श्री राम ने बाली को उसके कुकर्मों का दंड देकर उसके सज्जन भाई सुग्रीव को पुनः राजा बनाया। नंबर 6, हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए उड़कर, क्योंकि उस समय छोटे छोटे वायुयान मोनोप्लेन उस समय थे। नंबर 7, हनुमान जी ने लंका में सीता जी को खोजा, लेकिन मच्छर या सूक्ष्म रूप में नहीं बल्कि छद्म रूप धरकर। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा रूप धारण कि वे लंका में घूमते हुए लंका वासियों जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। नंबर 8, पहलवानों को देखकर आज हम समझ सकते हैं कि कैसे हनुमान जी ने रस्सी से बंधते समय अपने शरीर को फूला कर मोटा कर लिया और फिर छूटने के लिए सांस छोड़कर वे सूक्ष्म तन हो गए और रस्सी से छूट गए। इस प्रकार उन्होंने लंका में आग लगाई। नंबर 9, राम सेतु इंजीनियरिंग का श्रेष्ठ नमूना था। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट के पुत्रों नल नील ने सेतु की रचना करवाई। ये सब संभव हो पाया उस कोरल रीफ के कारण जो भारत से लंका तक फैली थी। उसको आधार बनाकर उसके ऊपर एक सशक्त सेतु का निर्माण हुआ। इसका प्रमाण आज सैटेलाइट पिक्चर्स में उपलब्ध है। नंबर 10, रावण के पास कैसे विमान उपलब्ध थे। इसका एक उदाहरण तो पुष्पक विमान स्वयं ही है, जिसमें सवार होकर श्री राम वापस अयोध्या लौटे। कहा है कि यह विमान सौर्य ऊर्जा से चालित था। उसमें बहुत से मणि मुक्त जड़े थे जो सूर्य किरणों को केंद्रित करने का काम करते थे। इतनी उन्नत विज्ञान की जानकारी रखने वाली सभ्यता को हरा देना कोई मामूली काम नहीं था। जो ये काम कर पाए वह श्री राम युग पुरुष कहलाए। इसी प्रकार और भी तथ्य है जिससे रामायण ऐतिहासिक सिद्ध होती है न कि काल्पनिक।